नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है बोल मीठे। ये हमारे चैनल का एक नया सेक्शन है जिसको हमने नाम दिया है आस्क द कोच। यहाँ पर मैं आपके जो लाइफ की जो सवाल है उनके उत्तर दूंगा। आप अपने सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर 8421593900 इस नंबर पर भेज सकते हैं। आज मैं इस सेक्शन के जो मुझे जो सबसे पहला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। हमारे चैनल के एक व्यूअर है जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न ने मुझे आश्चर्यचकित भी कर दिया है और उसके साथ ही मुझे खुश भी कर दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ इस प्रश्न को पाकर। इन्होंने मुझसे ये वाला सवाल पूछा है। इन्होंने पूछा है कि मैं मेरे मम्मी पापा को हमेशा खुश कैसे रख सकता हूँ। उत्तर जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ कि आपके पास में इतना खूबसूरत दिमाग है कि जिसमें इस प्रकार के विचार आते हैं कि जो अपने पिताजी को और माताजी को हमेशा खुश रखना चाहता है। चलिए उत्तर शुरू करते हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत अपने मम्मी पापा के गले लगकर करें। हमेशा उनको आप जब भी मिलेंगे तो स्माइल के साथ में ही संबोधन कीजिए, हमेशा मुस्कुराकर। उनसे ये भी पूछिए कि उनको उनके लाइफ में क्या चाहिए। आप अपने माता पिता को पैदल वॉक पर लेकर जाइए आपके साथ में। आप अपने माता पिता को वीकेंड में कहीं बाहर घूमने के लिए ऐसी जगह पर भेजें जो आध्यात्मिक जगह होती है, वैसी जगह पर समय निकालकर अपने माता पिता के बगल में बैठिए और खाना हमेशा जो है उनके साथ में खाइए। उनको बार बार आप प्रॉमिस कीजिए कि हमारा जो बॉन्ड है रिलेशनशिप का, आपका जो रिश्ते का जो बॉन्ड है वो बड़ा ही स्ट्रांग है और हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहने वाला है। उनसे ये भी कहिए कि ये जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है, हमारा रिश्ते का जो बॉन्ड है वो ऐसा के ऐसे ही स्ट्रांग रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मतलब जो बच्चा है उनका वो उसकी है। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपके माता पिता ही जो हैं उन्होंने आपको क्रिएट किया है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आपके माता पिता ने ही आपको ये दुनिया दिखाई है। इनसे आप इस बात के लिए माफ़ी मांगिए कि मैंने जाने में अनजाने में कभी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अपने मम्मी पापा से आप उनके जो बचपन के दिन है उसके बारे में बात कीजिए। जब आप उनके बचपन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सबसे ज़्यादा खुश है उस टाइम पर। आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहिए। जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको सबसे ज़्यादा हैप्पी बनाएगी, सबसे ज़्यादा खुश बनाएंगी। इन चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए, आजमाइए और आप पाएंगे कि आपके मम्मी पापा जो है वो दुनिया के सबसे खुश मम्मी पापा समझेंगे अपने आप को और सबसे लकी भी समझेंगे कि उनके पास में आपके जैसा बच्चा है। थैंक यू। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।